यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सभी को जय सु। मातृधाम सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम बाइबल में पढ़ते हैं एफेसी अध्याय 5 वाक्य 18 में, वहाँ पर लिखा हुआ है, अंगूरी पीकर मतवाले नहीं बने, क्योंकि इससे विषय वासना उत्पन्न होती है, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। आगे वचन कहता है, मिलकर भजन स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाएं, पूरे हृदय से प्रभु के आदर में गाते बजाते रहें। हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। तो वचन कहता है कि हमें अंगूरी पीकर मतवाले नहीं बनना है, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाना है। दाऊद नबी के बारे में हम पढ़ते हैं, दाऊद का जब अभिषेक किया गया तो पवित्र आत्मा उन पर छाया रहता था और उन्होंने कई सारे स्तोत्र लिखे, उन्होंने भजन गाए, प्रभु के आदर में पूर्ण रूप से गाया बजाया करते थे, नाचा करते थे, उनकी स्तुति किया करते थे। और इसलिए हम भी आज उन्हीं की तरह गा बजा कर, नाच कर प्रभु की स्तुति और आराधना करें, महिमा करें, उनकी तारीफ करें। इससे प्रभु प्रसन्न होते हैं और प्रभु हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारे बंधन खुलते हैं। तो आप इस समय जहाँ कहीं भी हैं, अपने घर में, आप पूर्ण हृदय से, सच्ची लगन से इस स्तुति और आराधना में शामिल हो जाइए, सत्संग में शामिल हो जाइए, ताकि हम प्रभु की आशीष को पाएं। तो तालियां बजा के हम एक गीत गाएंगे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, ताकि हम आत्मा से भरें और प्रभु के आदर में गीत गाएं। आत्मा से भर दे मुझे, गाइए, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। और एक बार मिलकर, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तू ही है मालिक मेरा,
रोशन है चेहरा तेरा, तू ही है मालिक मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, 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 ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, देता है तू जिंदगी, तू ही मेरी बंदगी, देता है तू जिंदगी, तू ही मेरी बंदगी, देता है तू जिंदगी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, जहाँ भी मैं जाऊँ एक साथ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, सब लोग मिलके गाइए, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, हो मैं जिस राह पर चलूं, तू ही मेरे साथ, तू ही मेरे साथ हो, मैं जिस राह पर चलूं, मैं जिस राह पर चलूं, जहां भी मैं जाऊं, जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, तालियां बजा के, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, सब लोग मिलके गाएं, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे,
आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। बार बार कहिए, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। सांस्कृति करते जाइए, हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 हालेलुया। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। हे अब्बा पिता, हे अब्बा पिता, हे अब्बा पिता, हे अब्बा पिता, यीशु के पवित्र नाम पर, यीशु के पवित्र नाम पर हमें आत्मा से भर दीजिए, हमें आत्मा से भर दीजिए, हमें आत्मा से भर दीजिए, हमें आत्मा से भर दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, मेरे दिल में आइए, मेरे दिल में आइए, मेरे घर में आइए, मेरे घर में आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए। मैं तेरा स्वागत करता हूँ, मैं तेरा स्वागत करता हूँ। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। मुझे तोड़ दे, गला दे, अपना मुझे बना ले। मुझे तोड़ दे, गला दे, गला दे, अपना मुझे बना ले, अपना मुझे बना दे। मुझे तोड़ दे, गला दे, अपना मुझे बना ले। मुझे तोड़ दे, गला दे, अपना मुझे बना दे। जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ। 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 मुझे तोड़ दे, गला दे, नया मुझे बना दे। मुझे गला दे, नया
मुझे तोड़ दे, गला दे, नया मुझे बना दे। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ, जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ। गाइए जीवित प्रभु के तोड़ दे, गला दे, अपने काम में लगा दे। मुझे तोड़ दे, गला दे, अपने काम में लगा। और एक बार मुझे तोड़ दे, मुझे तोड़ दे, गला दे, मुझ में उतर आओ, मुझ में उतर आओ। आइए प्रार्थना करें। अपनी आंखें मंद कीजिए, अपना हृदय प्रभु के लिए खोलिए, विश्वास कीजिए कि पुनर्जीवित यीशु इस समय आपके पास आपके करीब है। सुसमाचार में बताता है, शिष्य बंद कमरे में पड़े हुए थे, कमरा अंदर से बंद था। पुनर्जीवित यीशु उस बंद कमरे में प्रवेश किए, उनका सामर्थ्य, उनका प्रकाश चारों ओर फैल गया, शिष्य आनंद से भरपूर हो गए। उसी तरह इस समय पुनर्जीवित यीशु को आप अपने करीब महसूस करना। आप जिस कमरे में हैं, जिस स्थान में हैं, आपके पास प्रभु हैं, विश्वास करना। पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय और मन को खोलिए। पवित्र वचन कहता है, विश्व मंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का परमेश्वर हमारा गढ़ है। विश्व मंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का परमेश्वर हमारा गढ़ है। विश्व मंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का परमेश्वर हमारा गढ़ है। वचन कहता है, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मौन हो जाइए, अपने हृदय को शांत कीजिए। हम बोलते रहते हैं, हम मांगते रहते हैं, हम शिकायत करते रहते हैं। कुछ समय के लिए अपने आप को शांत कीजिए। प्रभु कहते हैं कि अनुभव करो, जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मैं तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हें बनाने वाला, आकाश और पृथ्वी को चलाने वाला, मेरा सानिध्य महसूस कर। मौन हो जाओ, बोलना बंद करो, मांगना बंद करो, शिकायत करना बंद करो। मेरा अनुभव करो, मुझे जानो। मैं तुम्हें प्रेम करने वाला परमेश्वर हूं। मैंने तुम्हारे लिए अपने आप को अर्पित किया। मैंने तुम्हें तुम्हारे मां के गर्भ से लेकर आज तक बचा के रखा है। उस पर भरोसा रख। प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। प्रभु का अपने जीवन में समय स्वागत कीजिए। बोलिए, प्रभु मेरे जीवन में आइए, आज की सभा के द्वारा मेरे जीवन में कार्य करने आइए। प्रभु आइए, यीशु आइए, यीशु यीशु जी मेरे दिल में आओ, यीशु जी मेरे दिल में आओ, दिल
में आओ प्रभु हृदय में आओ, दिल में आओ प्रभु हृदय में आओ, दिल में आओ प्रभु हृदय में आओ, दिल में आओ प्रभु हृदय में आओ, यीशु जी मेरे दिल 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 में आओ, भूखा दिल मेरा प्यासा दिल मेरा, 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 यीशु जी मेरे दिल में आओ, 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 टूटा दिल मेरा फूटा दिल मेरा, 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 यीशु जी मेरे दिल में आओ, 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 रोगी दिल मेरा दुर्बल दिल मेरा, 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 यीशु जी मेरे दिल में आओ, यीशु जी मेरे दिल में आओ, यीशु जी मेरे दिल में आओ, यीशु जी मेरे दिल में, एक साथ बार बार गाते जाएंगे, यीशु जी मेरे दिल में आओ, यीशु जी मेरे दिल में आओ, यीशु जी मेरे दिल में आओ, यीशु जी मेरे दिल में, एक साथ भी करेंगे, हालिया 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 हालिया। अपनी आंखें खोलिए, सबको जय सु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु आपको ऐसा अवसर दे रहे हैं कि प्रतिदिन आपको प्रभु के वचनों को सुनने का मौका मिल रहा है। कुछ दिन पहले एक भाई ने हमें बताया कि उनका मित्र दिल्ली में एम्स में इलाज कर रहा है क्योंकि उसने तेजाब पी लिया था, और दिल्ली में इलाज चल रहा है। और इन्होंने उनको सुझाव दिया कि प्रतिदिन तुम रोज की रोटी और अन्य कार्यक्रम देखा करो। और उस दिन से वो लगातार प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं। उसका नतीजा यह है कि उन्होंने फ़ोन करके मुझसे कहा कि अभी धीरे धीरे हल्का फुल्का कुछ खाने और पीने लगा है। जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, वो वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। प्रभु ने स्वयं कहा है इसायास नबी अध्याय 55 में उसके वाक्य 11 में कि मेरे मुख से निकलने वाला शब्द बिना अपना उद्देश्य पूरा किए मेरे पास लौटता नहीं है। उसी तरह कुछ दिन पहले एक छोटी बहन ने मुझे फ़ोन करके कहा कि स्वामी जी, मैं रोज़ की रोटी नहीं देखती थी क्योंकि उसमें चंगाई के बारे में नहीं बताया जाता है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं नहीं देखती थी।
अचानक एक दिन प्रभु ने मुझे याद दिलाया कि बेटा तुम उस कार्यक्रम को देखा करो, और मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ करता था नॉर्मली, और जब से मैंने उस कार्यक्रम को देखना शुरू किया मेरा ब्लीडिंग बराबर हो गया, कोई समस्या नहीं है। जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, प्रभु अपने वचन के अनुसार हमारे अंदर कार्य करते हैं। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 119 उसके वाक्य 99 में कि मैं तेरी शिक्षा पर मनन चिंतन किया करता हूँ, इसलिए मैं अपने शिक्षकों से भी ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। ये कितना सुंदर वचन है, मैं तेरी शिक्षा का मनन चिंतन किया करता हूँ इसलिए मैं अपने शिक्षकों से भी अधिक बुद्धिमान हूँ। उसी स्तोत्र 119 के वाक्य 9 में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि युवक कैसे निर्दोष जीवन जी सकता है, तेरी शिक्षा का पालन करने से ही युवक निर्दोष जीवन जी सकता है। उसी अध्याय के वाक्य 11 में हम पढ़ते हैं स्तोत्रकार कहता है मैंने तेरी शिक्षा को अपने हृदय में संचित रखा और इसीलिए मैं पाप ना करूं। मैंने तेरी शिक्षा को अपने हृदय में संचित रखा जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो पवित्र वचनों को सुनने से हमारे जीवन में प्रभु के चमत्कार पूर्ण कार्य होते हैं। प्रभु को धन्यवाद देना कि प्रभु ने इस लॉकडाउन के दौरान आपको पवित्र वचन को लगातार सुनने का अवसर दिया है और इसके द्वारा उसका फल भी अनुभव करने का मौका दिया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक बहुत सुंदर प्रसंग हमें नए विधान में मिलता है, चारों सुसमाचारों में उसके बारे में लिखा हुआ है। वो है प्रभु येसु 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों लोगों को खिलाते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 14 में हम पढ़ते हैं कि जब प्रभु ने अपने शिष्यों को इशारा किया कि तुम ही उनको खिलाओ, तो शिष्यों ने कहा प्रभु हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो प्रभु ने उनसे एक बात कही और वही बात आज मैं सत्संग में आपके सामने भी रखना चाहता हूँ। प्रभु ने उनसे कहा वह मेरे पास ले आओ, तुम्हारे पास जो है वह मेरे पास ले आओ, तुम्हारे पास जो है वह मेरे पास ले आओ। प्रभु को समर्पित करना, हमारे पास जो है उसको प्रभु को समर्पित करना, इसमें हमारी भलाई है। हमारे पास जो है प्रभु को चाहना, नतीजा जानते हैं, उन 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों लोगों को खिलाया, खिलाने के बाद वे तृप्त हो गए और 12 टोकरी रोटियां बच गई। समर्पण का चमत्कार देखिए, ये समर्पण का चमत्कार है मेरे प्रिय भाई और बहनों। एक विश्वासी के लिए सबसे आवश्यक बात है कि वो अपने आप को प्रभु को समर्पित करे। समर्पण एक विश्वासी के लिए सबसे आवश्यक बात है और सबसे कठिन बात भी है। प्रार्थना करना आसान है, बत्तियां जलाना आसान है, दान देना आसान है, उपवास करना आसान है, लेकिन समर्पण बहुत कठिन होता है। लेकिन वही हमारे विश्वास का प्रमाण है, वही ईश्वर के प्रति हमारे प्रेम का प्रमाण है। समर्पण, समर्पण, समर्पण। आप जानते हैं प्रभु ईश्वर ने इब्राहिम को 100 साल की उम्र में एक संतान दी। 100 साल की उम्र में इब्राहिम को एक संतान मिली, इसहाक। आप जानते हैं उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 22 को आप पढ़ना, वहां पे क्या लिखा हुआ है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 में प्रभु ने इब्राहिम को आवाज दिया। इब्राहिम ने कहा कि प्रभु मैं उपस्थित हूं। इब्राहिम ने कहा कि प्रभु मैं हाजिर हूं। प्रभु ने इब्राहिम से कहा अपने पुत्र को, अपने एकलौते को, परम प्रिय इसहाक को अपने साथ ले जाओ मोरिया, और जो पहाड़ में दिखाऊंगा उस पर मेरे लिए बलि चढ़ाओ। कितनी बड़ी मांग है, कितनी बड़ी मांग है। 100 साल की उम्र में त्याग, तपस्या, इंतजार, प्रार्थना के बाद एक संतान मिलती है। प्रभु इब्राहिम से कहते हैं अपने परम प्रिय एकलौते इसहाक को मोरिया ले आओ, और जो पहाड़ी मैं दिखाऊंगा उस पहाड़ी पर
मेरे लिए बलि चढ़ाओ। एक बार हम अपने अगुआ भाई बहनों के लिए क्लास ले रहे थे और उस समय इब्राहिम के बलिदान के बारे में ही बोल रहा था और मैंने उनसे पूछा, क्या आपसे प्रभु ऐसा कहेंगे, क्या आप ये करने को तैयार हैं, अपने बेटे या बेटी को बलि चढ़ाने को तैयार हैं प्रभु के लिए? सबने कहा, नहीं करेंगे स्वामी जी, हम नहीं करेंगे। हमने उसको खिलाया पिलाया है, हमने उसको पाला पोसा है, इतना बड़ा किया है, हम ये कर नहीं सकते। बहुत बड़ी मांग है। कई साल पहले एक बहन ने मुझसे कहा, वह पवित्र आत्मा के अधीन होने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने मुझसे कहा कि आप जानते हैं स्वामी जी, प्रभु ने मुझसे वो छीन लिया जो मुझे बहुत प्यारा था। वो क्या है? नींद। वो बहुत सोना चाहती थी, सोती थी, लेकिन प्रभु ने नींद ही छीन लिया। और मैं ईमानदारी से आपके सामने खड़ा हूं, मैं आपसे बोलना चाहता हूं, जब से मैं प्रभु के अधीन हो गया उस समय से प्रभु ने मुझे वो सारी चीजें छीन ली जो मुझे बहुत पसंद थी। सब कुछ छीन ली, नींद भी छीन ली। कभी कभी प्रभु हमसे ऐसी मांगे करते हैं। तो इब्राहिम से प्रभु ने कहा कि अपने पुत्र इसहाक को मोरिया पहाड़ ले आओ, मोरिया ले आओ और उस पहाड़ पर अपना बलि चढ़ाओ जिसको मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और इब्राहिम ने किया। इब्राहिम ने अपनी पत्नी को नहीं बताया, अपने सेवकों को नहीं बताया, अपने पुत्र को नहीं बताया, अपने कलेजे में दबा के रखा और ले गया मोरिया पहाड़ और उसको बलि चढ़ाने के लिए वेदी पर लिटाया, उसके हाथ पैर बांधा, छुरा लिया, उसको काटने जा रहा था, आकाशवाणी हुई, प्रभु की आवाज आई, इब्राहिम इब्राहिम। हाँ प्रभु, बच्चे पर हाथ नहीं लगाना, आगे आप पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 को पढ़ना, शेष करके 16 को। प्रभु ने कहा, तुमने वो किया, तुमने अपने एकलौते पुत्र को भी मुझे देने से इनकार नहीं किया, तुमने अपने एकलौते पुत्र को भी मुझे देने से इनकार नहीं किया, इसलिए मैं शपथ खाकर कहता हूं मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा। मेरे प्रिय बंधुओं, समर्पण के अभाव में हम में से बहुत सारे लोग प्रभु की आशीषों से वंचित हैं। वो एक चीज जो हमें प्यारी है, वो एक व्यक्ति जो हमें बहुत प्यारा है, वो एक आदत जो मुझे बहुत प्यारी है, वो एक चीज जो मुझे बहुत प्यारी है, उसको छोड़ नहीं पाता हूं, समर्पित कर नहीं पाता हूं। कैसे मैं समर्पित करूंगा? मैं उसको बहुत प्यार करता हूं, इतने साल से प्यार करता हूं, इतना गहरा प्यार है, मैं कैसे छोड़ सकता हूं? नहीं दे सकता प्रभु, नहीं दे सकता। उस चीज को मैं कैसे छोड़ूंगा? मुझे कपड़ा बहुत पसंद है, मैं छोड़ नहीं सकता। मुझे खाना बहुत पसंद है, मैं छोड़ नहीं सकता। मुझे सोना बहुत पसंद है, मैं छोड़ नहीं सकता। मुझे संपत्ति बहुत पसंद है, मैं छोड़ नहीं सकता। एक चीज के कारण हमें हम आशीर्वाद से वंचित हो गए हैं, समर्पण के अभाव में। यदि वो समर्पित करता है, इस व्यक्ति को मैं इतने साल से प्यार करती आ रही हूँ, इतने साल से प्यार करता आ रहा हूँ, हमारा गहरा रिश्ता है, ये ठीक नहीं है मैं जानती थी, लेकिन तब भी मैं करती आ रही हूँ, लेकिन प्रभु तेरे लिए समर्पित करती हूँ, जिस समय समर्पित करेगी मैं आपसे कहता हूँ आशीर्वाद का एक फुव्वारा, एक झरना फूट पड़ेगा। एक चीज की कमी के कारण, समर्पण की कमी के कारण हम में से बहुत सारे लोग ईश्वर के आशीर्वाद से वंचित हैं। हमें एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 में। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 में एक धनी व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं। मत्ती के सुसमाचार में उसको नवयुवक कहा गया है। एक धनी व्यक्ति बड़े उत्साह के साथ येसु के पास आता है, कहता है, गुरुवर, भले गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अनंत जीवन, प्रचुर जीवन, परिपूर्ण जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु ने कहा, नियमों का पालन करो, मैं तो करते आया हूं, मेरे अंदर क्या कमी है बताइए, क्या बाधा बताइए। प्रभु उसको जानते थे। यौहन के सुसमाचार के अध्याय 2 के वाक्य 25 में लिखा गया है, वहां पे कहते हैं, वहां पे लिखा गया है कि प्रभु को किसी को बोलने की जरूरत नहीं थी, प्रभु जानते थे कि किसके अंदर क्या है। प्रभु उस व्यक्ति को जानते थे, प्रभु जानते थे कि यह व्यक्ति धन के मोह में फंसा हुआ है, संपत्ति ने इसको हड़प लिया है,
ये धन के मोह में फंसा हुआ है, जिस तरह सामरी स्त्री के बारे में प्रभु को मालूम था, यूहन्ना अध्याय 4 में प्रभु को मालूम था कि ये पुरुषों के पीछे लगी हुई है, ये उसकी कमजोरी है, ये उसके लिए बाधा है। उसी तरह प्रभु जानते थे कि इस व्यक्ति के लिए उसकी संपत्ति और संपत्ति के प्रति जो मोह है वो उसकी बाधा है। प्रभु ने कहा तुम में कमी है, तुम एक काम करो, अपनी संपत्ति बेच दो, गरीबों में बांट दो, तब मेरे पीछे चले आओ। वो कभी नहीं सोचता था, उसने प्रभु से पूछा था कि मैं क्या करूं, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा कि प्रभु इस ऐसा कदम उठाने के लिए बताएगा कि छोड़ने के लिए। उसने कहा नहीं प्रभु, छोड़ नहीं सकता, मैं कैसे छोड़ूंगा, मैंने इसके लिए कितनी मेहनत की है, ये मेरी मेहनत की कमाई है, मैं धन को छोड़ नहीं सकता, मैं धन को छोड़ नहीं सकता। उदास होकर चला गया, अपनी सारी जिंदगी उदासी में बिताया, क्योंकि वो समर्पित करने को तैयार नहीं था, समर्पित करने को तैयार नहीं था। मैं आपके सामने कुछ अच्छे अच्छे नमूने रखना चाहता हूं। आप देखेंगे राजाओं के पहले ग्रंथ की अध्याय 17 में, राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 17, समूचे इसराइल में अकाल पड़ा था, बारिश नहीं थी, सारे जलाशय सूख गए, नदियां सूख गई, झरने सूख गए। अब नबी एलिय्याह को प्रभु ने आदेश दिया कि तुम जाके किरीत की घाटी के पास रहो, वहां पे कुछ पानी मिलेगा तुमको और कुछ भोजन का प्रबंध मैं करूंगा, लेकिन वहां का पानी भी सूख गया। अब प्रभु ने एलिय्याह से कहा कि तुम्हें काम कर, सरफता चले जाना और वहां पे एक विधवा तुम्हें मिलेगी और तुम उससे भोजन के लिए मांगना। और ऐसा ही होता है, एलिय्याह सरफता पहुंच जाता है, एलिय्याह देखता है कि एक नारी आ रही है, वो लकड़ी बटोरने आई थी। एलिय्याह ने कहा बहन मेरे लिए कुछ पानी ले आओ। जब वो जा रही थी तो एलिय्याह ने फिर आवाज़ दी कुछ रोटियां भी ले आना, और वो एलिय्याह के पास दौड़ती हुई आई। उसने कहा कि आपके ईश्वर का शपथ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास एक टोकरी में थोड़ा सा आटा बाकी बचा है, एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल बचा हुआ है, मैंने सोचा कि मैं लकड़ी बटोर लूंगी और जाकर उसको पकाकर मैं और मेरा बेटा हम दोनों खा जाएंगे, उसके बाद हम लोग मर जाएंगे। एलिय्याह ने कहा ठीक है ऐसा ही करो, लेकिन जैसे मैंने तुमसे कहा वही करो, जाकर मेरे लिए रोटी पका के ले आओ। वो जाती है रोटी पका के एलिय्याह के पास ले आती है, उन्हें दे देती है, देने के बाद वापस जाती है तो उसने क्या देखा, पूरी टोकरी में आटा भरा हुआ है, जिस कुप्पी से उसने तेल निकाला था वो कुप्पी तेल से भरा हुआ है। समर्पण का चमत्कार, मेरे प्रिय भाई और बहनों, समर्पण का चमत्कार, समर्पण का चमत्कार। जब हम प्रभु को दे देते हैं, प्रभु हमारे लिए प्रबंध करते हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या कि हम प्रभु को देने को तैयार नहीं है, हम बचा के रखना चाहते हैं, हम अपने लिए रखना चाहते हैं। प्रभु कहते हैं दे दो। लूकस का सुसमाचार अध्याय 6:38, वहां पे क्या लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है जिस नाप से तुम दोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा, जिस नाप से तुम दोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। हम पढ़ते हैं प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 35:13 में, बुक ऑफ सिराख चैप्टर 35:13, वहां लिखा हुआ है प्रभु प्रतिदान करता है, प्रभु प्रतिदान करता है, वह 7 गुना लौटाता है। एक देंगे तो प्रभु 7 गुना लौटाता है। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 9:6 में लिखा हुआ संत पौलुस कहते हैं जो कम बोता है कम लूनता है, जो कम बोता है कम लूनता है, लेकिन जो अधिक बोता है वो अधिक लूनता है। आपने कहानी सुना होगा, एक बार एक राजा अपनी जनता के पास आया, वो देखना चाहते थे कि जनता की क्या स्थिति है, और एक भिखारी मिला। भिखारी ने सोचा कि राजा मुझे कुछ देगा। राजा भिखारी के पास गया, राजा ने कहा मुझे कुछ दे दो। भिखारी ने सोचा राजा को किस चीज़ की कमी है, क्या दूँ मैं, अपने बर्तन में जो अनाज पड़ा था उसमें से एक ठो अनाज लिया और राजा को दिया। राजा बड़ी खुशी से चले गए। बाद में जब भिखारी शाम को अपने घर आया, उसने पूरे अनाज को खोला, उसने देखा कि एक सोने का अनाज पड़ा हुआ है।
तब अचानक उसको याद आया, हाँ मैंने एक अनाज राजा को दिया था। वो सोचने लगा, काश मैं राजा को ये पूरा दे देता तो ये पूरा सोने से भर जाता। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, जिस नाप से हम देंगे उसी नाप से हमारे लिए नापा जाएगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि जब प्रभु ने पेत्रुस और एंद्रेस को बुलाया तो वे लोग मछली पकड़ने के लिए जाल समुद्र में डाले हुए थे। प्रभु ने कहा मेरे पीछे चले आओ, प्रभु ने कहा मेरे पीछे चले आओ, और प्रभु के लिए उन्होंने जाल को समुद्र में त्याग दिया, छोड़ दिया, समर्पित किया। जाल को समुद्र में छोड़ दिया और वे यीशु के पीछे चल दिए। उसी तरह याकूब और योहन के बारे में हम पढ़ते हैं कि याकूब और योहन जाल मरम्मत कर रहे थे, उनके नौकरों के साथ, पिता के साथ। प्रभु ने उनको बुलाया तो याकूब और योहन उठ जाते हैं, जाल, पिता, नौकर सब छोड़कर यीशु के पीछे हो लेते हैं, समर्पित करते हैं। बाद में आप पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 19 में उसके 27 से 29 तक, वहां पर शिष्यों ने प्रभु से पूछा कि प्रभु हमने सब कुछ आपके लिए छोड़ दिया है, हमने आपके लिए सब कुछ समर्पित कर दिया है, हमें क्या मिलेगा। प्रभु ने कहा मैं तुमसे कह देता हूं कि तुम्हें 100 गुना वापस मिलेगा, तुम्हें 100 गुना वापस मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें सैमुएल के ग्रंथ के पहले ग्रंथ के अध्याय 1 और 2 में हन्ना के बारे में पढ़ने को मिलता है। हन्ना सैमुएल की माँ थी, हन्ना बांझ थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। वो प्रभु से बराबर प्रार्थना किया करती थी। एक बार वो मंदिर में, शीलों के जो मंदिर में आकर प्रार्थना कर रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, उसका शरीर कांप रहा था, होंठ हिल रहे थे। पुरोहित ने कहा कि तुम पहले मदिरा उतार के आ जाओ, नशा उतार के आ जाओ। उसने कहा कि महोदय मैंने नशा नहीं लिया है, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं अपने हृदय को प्रभु के सामने खोल रही थी, मेरी कोई संतान नहीं है। एली ने उसको आशीर्वाद दिया, कहा कि अगले साल तक तुम्हें एक पुत्र मिलेगा। उस समय हन्ना ने प्रभु के सामने वायदा किया, मन्नत ली। क्या मन्नत थी? कि उसने कहा कि यदि आप मुझे एक पुत्र का वरदान देंगे तो मैं उसको आपके लिए चाहूंगी, समर्पित करूंगी। उसी अध्याय में हम पढ़ते हैं सैमुएल की मां हन्ना गर्भवती हुई, पुत्र प्रसव की, जब उसको दूध छुड़ाया था तो वो मां उस पुत्र को लेकर मंदिर में आती है, एली से कहती है महोदय ये वही पुत्र है, मैंने प्रभु से भीख मांगा था, मुझे मिला, और इसलिए मैं उसको प्रभु को समर्पित करती हूं। और सैमुएल को प्रभु को समर्पित करती है। करेगा कोई? उसने वायदा किया था और अपने वायदे के अनुसार वो अपने बेटे को समर्पित करती है, एकमात्र बेटा उसको समर्पित करती है प्रभु को। मालूम क्या हुआ उसका? अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे वाक्य 2 में प्रभु ने उसको आशीर्वाद दिया, प्रभु ने उसको 3 पुत्रों और 2 पुत्रियों की मां बना दिया। एक बांझ को प्रभु ने 3 और 4 पुत्रों और 2 पुत्रियों की मां बना दिया। जब हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हैं, अपने जीवन में जो प्रिय होते हैं उसको प्रभु को समर्पित करते हैं, प्रभु हमारे जीवन में इसी तरह कार्य करते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के अध्याय 11 में एक झकझोरने वाली घटना हमें पढ़ने को मिलती है। गिलियाद का शासक था यफ्ता, गिलियाद का शासक था यफ्ता, और वो अम्मोनियों के साथ लड़ने के लिए जा रहा था। अम्मोनियों की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन प्रभु के नाम पर यफ्ता लड़ने जा रहा था। जब वो लड़ने जा रहा था उसने प्रभु के सामने एक मन्नत मानी। क्या मन्नत थी? यदि तू मुझे जिताएगा अम्मोनियों पर और सही सलामत घर लेके आएगा तो जो मेरी अगवानी करने के लिए घर से बाहर निकलेगा पहला व्यक्ति, मैं उसको तेरे लिए होम बलि चाहूंगा। उस जमाने में चलता था, नरबलि चलती थी, अगर आज करेंगे तो आप जेल पहुंच जाएंगे। तो यफ्ता ने कहा यदि तू मुझे जीत प्रदान करेगा
अमोनियों को मैं हराऊंगा और सही सलामत घर वापस आऊंगा। मेरी अगवानी करने के लिए, मुझसे मिलने के लिए जो पहला व्यक्ति घर से निकलेगा, मैं उसकी होम बलि चढ़ाऊंगा। यफ्ता ने अमोनियों को हराया प्रभु की शक्ति से। बड़े आनंद के साथ घर लौट रहा था, बड़े आनंद के साथ घर लौट रहा था। मालूम क्या हुआ, उसकी अगवानी करने के लिए साज बजाती हुई उसकी एकमात्र पुत्री घर से बाहर आ जाती है। उसको देखते ही यफ्ताह ने अपना कपड़ा फाड़ दिया, वस्त्र फाड़ दिया। उसने कहा कि पित्री, बेटी, तुमने मुझे मारा है, मैं महान संकट में पड़ गया हूं। मैंने प्रभु को वायदा किया था कि जो पहला व्यक्ति बाहर निकलेगा मेरी अगवानी करने के लिए, मैं उसकी होम बलि चढ़ाऊंगा, अब क्या होगा। उसने कहा कि पिताजी, आप अपने वचन को पूरा कीजिए, क्योंकि प्रभु ने आपको जीत दी है। वचन में लिखा हुआ है, वह लड़की, जवान बेटी, यफ्ताह की एकमात्र संतान थी, उसकी दूसरी कोई संतान नहीं थी, ना बेटा ना बेटी। वो कहती है कि मुझे 2 महीने का समय दीजिए, ताकि मैं अपने सहेलियों के साथ पहाड़ पे जाऊं और अपने कुंवारपन का शोक मनाते हुए वापस आ जाऊं, उसके बाद आप अपने प्रतिज्ञा को पूरा कीजिए। ऐसा ही हुआ। क्या समर्पण है, क्या समर्पण है। यौहन का सुसमाचार अध्याय 3:16 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को ही अर्पित कर दिया। ईश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने हमारे लिए अपने एकलौते पुत्र को ही अर्पित कर दिया। ये प्रेम का मामला है, ये विश्वास का मामला है। समर्पण, समर्पण। यफ्ताह ने इतना बड़ा समर्पण प्रभु को दिया, इसके द्वारा अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण किया, साथ ही साथ ईश्वर के प्रति अपने विश्वास और अपनी भक्ति को प्रकट किया, श्रद्धा को प्रकट किया। हमें उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 4 में काइन और हाबिल के बलिदान के बारे में, समर्पण के बारे में पढ़ने को मिलता है। वचन में बताता है कि काइन ने अपने खेत की उपज का कुछ हिस्सा प्रभु को समर्पित किया, लेकिन ठीक इसके विपरीत हमें हाबिल के बारे में पढ़ने को मिलता है कि हाबिल ने अपने सर्वोत्तम भेड़ का बच्चा प्रभु को समर्पित किया, सर्वोत्तम भेड़ का बच्चा, और काइन ने कुछ अर्पित किया। वचन में बताता है कि प्रभु हाबिल की भेंट को ग्रहण करते हैं। काइन क्रुद्ध हो गया, काइन क्रुद्ध हो गया। आज भी हमें पढ़ने को मिलता, देखने को मिलता है कि लोग, कई विश्वासी लोग प्रभु को कुछ चढ़ाते हैं, प्रभु के लिए, प्रभु के काम के लिए, कलीसिया के लिए, कलीसिया के काम के लिए, भलाई के काम के लिए कुछ देते हैं, थोड़ा कुछ दे देते हैं, समथिंग दे देते हैं, समथिंग दे देते हैं, इसीलिए वे संतुष्ट नहीं रहते हैं। काइन ने प्रभु को सर्वोत्तम नहीं चढ़ाया, उसकी भेंट स्वीकार नहीं हुई, इसीलिए वो क्रुद्ध हो जाता है, वो कोसने लगता है। कई विश्वासी लोग ईश्वर को कोसते हैं क्योंकि वे अपना सर्वोत्तम प्रभु को नहीं देते हैं। मैं बोला करता हूं लोगों से, गिव द बेस्ट गॉड, सबसे अच्छा प्रभु को दो, सबसे अच्छा समय, कमाई, ऊर्जा प्रभु को दो, प्रभु तुमको बहुत कुछ देगा। मैं एक भाई को जानता हूं, पारिवारिक हैं, अच्छे पोस्ट पर हैं, कई वर्षों से हमारे आश्रम को सपोर्ट करते आए हैं और हर महीने प्रसाद वितरण के लिए वो पैसा देते थे। एक बार मैंने उनको धन्यवाद दिया, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि आप मुझे धन्यवाद मत दीजिए, जब हर महीने मेरे घर में मेरी आय आती है, मेरा इनकम आता है, तो मैं उसमें से एक मुख्य हिस्सा प्रभु के लिए निकाल देता हूं, प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए निकाल देता हूं, बाकी पैसा ही घर चलाने के लिए इस्तेमाल करता हूं, उसमें से मैं आपको कुछ दे देता हूं जो प्रभु के लिए निकाला गया। और प्रभु ने उनको बहुत आशीर्वाद दिया है। कई विश्वासी लोग थोड़ा सा दे देते हैं, मानो प्रभु कोई भिखारी है, कलीसिया कोई भिखारी है, प्रभु का कार्य कोई ऐसा वैसा कार्य है। Give the best to God. मेरी जिंदगी का ये मोटो है,
गिव द बेस्ट टू गॉड, मेरे ऊर्जा का बेस्ट, मेरे ध्यान का बेस्ट, सब कुछ का बेस्ट प्रभु को देना हो, तो प्रभु आपकी भेंट से, आपके बलिदान से खुश हो जाएंगे। सबसे बेहतर, सबसे अच्छी चीज प्रभु को दे देना हो, प्रभु आपको आशीर्वाद पर आशीर्वाद देंगे। एक बहुत सुंदर उदाहरण हमें मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 12 में मिल जाता है, उस विधवा का उदाहरण। प्रभु येसु यरूशलेम मंदिर में बैठे हुए थे और वहां पर लोग दान डाल रहे थे, येसु सबको देख रहे थे, बहुत ज्यादा डाल रहे थे, लेकिन उनके बीच में एक विधवा दिखाई दी, उसने एक पैसा लिया कर दान पेटी में डाला। प्रभु ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, देख इसने सबसे ज्यादा डाला है, उस विधवा ने सबसे ज्यादा डाला है, क्योंकि उसके पास जो कुछ था उसने उसमें डाल दिया प्रभु के लिए। बाकी लोग अपने अतिरिक्त धन में से प्रभु को दिया, लेकिन इस विधवा ने अपने पास जो कुछ था वो प्रभु के लिए दिया। गिव द बेस्ट टू गॉड, खुशी से प्रभु को देना चाहिए, तब प्रभु आप पर खुश हो जाएंगे, आपको बहुत आशीर्वाद देंगे। वचन में लिखा हुआ है दूसरा कुंदी अध्याय 9 में, जो प्रसन्नता से देता है प्रभु उसको बहुत प्यार करते हैं, जो प्रसन्नता से देता है प्रभु उसको बहुत प्यार करते हैं। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है जो हर विश्वासी को जानना चाहिए, समर्पण देना। हमें प्रेरित चरित्र में उसके अध्याय 5 में ठीक इसके विपरीत एक उदाहरण मिल जाता है। वहां पर दो विश्वासी, अनानियास और उसकी पत्नी सफेरा, उस समय जो विश्वासी थे, सभी विश्वासी अपनी संपत्ति को बेच डालते थे और जो धन मिलता था वो धनराशि प्रेरितों के पास रखते थे, उसमें से वितरण होता था। सफेरा और अनानियास ने अपनी संपत्ति को बेचा, लेकिन उन्होंने एक हिस्सा अपने लिए छिपा के रखा। शायद उन्होंने सोचा कि पता नहीं कब तक ये कलीसिया चलती रहेगी, अगर ये बंद हो जाएगी तो हमारा क्या होगा, इसीलिए उन्होंने संपत्ति तो जरूर बेचा लेकिन उसमें का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने लिए रखा, छिपा कर रखा। अनानियास संपत्ति का वो धन लेकर पेत्रुस के पास आया। पेत्रुस ने पूछा, अनानियास तुम्हारी संपत्ति बेचने से तुम्हें इतना ही मिला? वो झूठ बोलता है। हाँ, वहीं पर अनानियास गिरकर मर जाता है। पेत्रुस ने कहा, तुम क्यों ईश्वर के सामने झूठ बोले? तुम्हें क्यों झूठ बोलना था? वो संपत्ति तुम्हारी थी, तुम्हें बेचने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन तुमने प्रभु के सामने झूठ बोला है, तुमने छिपा कर रखा है। वहीं अनानियास गिरकर मर जाता है। उसकी पत्नी भी आती है, वो भी गिरकर मर जाती है। एक सुंदर प्रतीक है, हर विश्वासी के लिए एक प्रतीक है। हम लोग प्रभु को समर्पित करते हैं लेकिन तुच्छ समर्पित करते हैं। हम लोग सब कुछ समर्पित करने को तैयार नहीं है, सब कुछ को प्रभु के अधीन करने को तैयार नहीं है और प्रभु की इच्छा को ग्रहण करने को तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे ये रहे और प्रभु सब कुछ को सही करें। मैं एक उदाहरण देता हूं। कुछ दिन पहले मुझे एक फोन कॉल मिला था। काफी दूर से एक बहन फोन कर रही थी रोती हुई। उन्होंने कहा कि मेरे पति और मेरे भाई मिलकर एक बिजनेस किया, काफी बड़ा बिजनेस है जिसके लिए उन्होंने करोड़ों रुपए बैंक में से लोन लिया था और ये इस लॉकडाउन के कारण पूरा बिजनेस ठप पड़ गया है, बंद हो गया है और उनके दोनों बड़े बड़े घर कुड़की हो गई। अब वो रो रही है कि हम लोग क्या करेंगे, कैसे बिजनेस चलाएंगे, कहां रहेंगे। सबसे पहली बात यह है, हर विश्वासी को जानना चाहिए अपने हैसियत के अनुसार, अपने संसाधन के अनुसार ही बिजनेस करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। हम ज्यादा लालची हो जाते हैं, ज्यादा कमाना चाहते हैं, ज्यादा धन कमाना चाहते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा लोन लेते हैं। हैसियत के अनुसार सीमा बांध कर। ऐसे लोगों से मैं क्या कहता हूं, ऐसे लोगों से मैं कहता हूं, प्रभु को समर्पित करो, अपनी वर्तमान परिस्थिति को 100% प्रभु को समर्पित करो। बोलो कि प्रभु ये बिजनेस, ये घर तुम्हारा है, ये घर तुम्हारा, ये बिजनेस तुम्हारा है। प्रभु अगर तू चाहता है कि हम इसको छोड़ दें, हम तैयार हैं। अगर तू चाहता है कि हम बिजनेस को बंद करें, हम तैयार हैं। पूर्ण समर्पण, एक संपूर्ण समर्पण। जब आप संपूर्ण समर्पण करेंगे, प्रभु के अधीन करेंगे, प्रभु सब कुछ को अपने अधिकार में ले लेंगे। वचन में लिखा हुआ है सुक्ति ग्रंथ अध्याय 16 उसके वाक्य 3 में,
प्रोवर्ब्स 16:3 वहां पे क्या लिखा हुआ है, अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो तब तुम्हारी योजनाएं सफल होंगी। अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो। हम लोग अपने लिए कुछ रखते हैं, यानी कुछ चीजों में हम नहीं चाहते हैं कि प्रभु हाथ लगाएं, प्रभु सिर्फ हमारे हमारे जो बिजनेस है उसको आशीष दें। अगर प्रभु को समर्पित करेंगे हो सकता है प्रभु बोलेंगे ये बिजनेस नहीं, वो शुरू करो। समर्पित करना है, अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो और तुम्हारी योजनाएं सफल होंगी। ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे भाई बहन हैं, आपको क्या करना है, उस परिस्थिति को 100% प्रभु के हाथ में समर्पित करना है, प्रभु के अधीन होना है, प्रभु से कहना है कि तेरी इच्छा पूरी हो। अगर तू चाहता है कि बिजनेस बंद करें, बंद करने को तैयार हैं। अगर तू चाहता है कि इस घर को हम छोड़ दें, तैयार हैं। 100% प्रभु के हाथ में समर्पित करना। स्तोत्रकार क्या कहता है, स्तोत्र 37 उसके वाक्य 5 में, साम 37:5, अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। आज मैं अपने भाई बहनों से अनुरोध करूंगा, 100% समर्पित करो प्रभु को। प्रभु से बोलना है ये संपत्ति तेरी है, ये बच्चे तेरे हैं, ये परिवार तेरा है, ये नौकरी तेरी है, ये बिजनेस तेरी है, सब कुछ तेरी है, समर्पित है, तू जो चाहे कर। आप देखेंगे प्रभु आपके जीवन को नियंत्रित करेंगे। आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें समर्पण का वरदान दीजिए, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण समर्पण। अपने लिए छिपा के नहीं रखना, ये नहीं कहना प्रभु यहां पे हाथ नहीं लगाना, यहां तक हाथ लगाना, नहीं, 100% समर्पण, 100% समर्पण। मैंने अपनी जिंदगी में यह महसूस किया है, जब मैंने समर्पित किया प्रभु ने सब कुछ को अपने अधीन कर लिया है, प्रभु ने सिर्फ सफलता दी है, उसका एक कारण है समर्पण, 100% समर्पण। प्रभु जो बोले उसको मानने के लिए तैयार हूं, कुछ भी बोले, अगर आश्रम छोड़ने के लिए बोलेंगे तैयार हूं, मंजूर है, तब देखना प्रभु क्या करेंगे। एक विश्वासी के अंदर ऐसा मनोभाव आना चाहिए, प्रभु यीशु का मनोभाव। प्रभु ने क्या कहा, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। यीशु ने अपने लिए कुछ भी छिपा के नहीं रखा, नो हिडन एजेंडा। यीशु की अपनी कोई योजना नहीं थी, पिता की योजना। हम पढ़ते हैं फिलिपी अध्याय 2:9-10 में कि प्रभु इतने आज्ञाकारी बने, मृत्यु और क्रूस की मृत्यु को उन्होंने स्वीकार किया, मंजूर है। प्रभु हमारे जीवन में ऐश्वर्य लाने वाला नहीं है, बल्कि प्रभु हमारे जीवन को चलाने वाला है। आंखें बंद कीजिए, समर्पित कीजिए, अपने जीवन को समर्पित कीजिए। प्रभु का नौकर मत बनाइए, बल्कि प्रभु को मालिक बनाइए। ये मेरा जीवन, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये मेरी परिस्थिति, सब कुछ तेरी है। तू दाता है, तू देता है, सब कुछ तेरा है यीशु। तू मेरा मालिक है, तू मेरा प्रभु है। मैं अपने जीवन को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं, वर्तमान परिस्थिति को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं तेरी आराधना करूंगा, मैं तुझे धन्यवाद देता रहूंगा। मैं जैसे हूं वैसे, मेरे रोगों के साथ, मेरी दुर्बलताओं के साथ, मेरे परिवार की दुर्बलताओं के साथ, मेरे परिवार की गरीबी के साथ, मेरे परिवार की हर प्रकार की दुर्बलता के साथ तेरे हाथ में समर्पित है यीशु। तू हमारा मालिक है, तू हमारा मालिक है, तू हमारा प्रभु है। प्रभु हमें समर्पण का वरदान दीजिए। तेरा वचन कहता है अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो, अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो, तुम्हारी योजनाएं सफल होंगी। अपने सभी कार्य
बिना छिपाए तुझे समर्पित करने की हमें कृपा दीजिए। आज की आराधना में हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे और अपने जीवन को समर्पित करेंगे। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, 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 मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला 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 यीशु हालेलुया, आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रेम करने वाला यीशु हालेलुया, प्रेम करने वाला यीशु हालेलुया, प्रेम करने वाला यीशु हालेलुया, क्षमा करने वाला यीशु हालेलुया, क्षमा करने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया।
हालेलुया 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 गाइए हालेलुया 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 आनंद के साथ खुशी के साथ हालेलुया 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 आराधना 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 हालेलुया 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 यीशु तेरे नाम से सारे बंधन खुल जाएं हालेलुया 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 यीशु तेरे नाम से चमत्कार हो जाएं हालेलुया 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 यीशु तेरे नाम से रोगी चंगे हो जाएं हालेलुया 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 यीशु तेरे नाम से चमत्कार हो जाएं हालेलुया 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 यीशु तेरे नाम से रोगी चंगे हो जाएं हालेलुया 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 करते जाइए हालेलुया 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 आराधना 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 यीशु तेरी आराधना महिमा स्तुति 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 तेरी प्रशंसा राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति हालेलुया 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 यीशु यीशु तेरी आराधना आराधना हालेलुया 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 प्रभु यीशु हम तेरी आराधना करते हैं तुझे धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए आज के सत्संग के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु मेरे प्यारे भाई मेरी बहन प्रभु को धन्यवाद देते जाइए उनकी आराधना करते जाइए उनकी स्तुति करते जाइए वचन कहता है आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेकें आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेकें यीशु की आराधना कीजिए पिता की आराधना कीजिए पवित्र आत्मा की आराधना कीजिए
प्रभु आपके सामने हैं, प्रभु आपके पास हैं, आपके करीब हैं, उनकी आराधना करते जाइए। यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं। इस जीवन की रोटी की आराधना कीजिए, महिमा कीजिए, जय जयकार कीजिए। आंखें बंद रखिए, दोनों हाथों को खोलिए, घुटनों पे रखें, या आप घुटना टेक सकते हैं तो घुटना टेकेंगे। पूर्ण भक्ति के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, ये मानकर कि वो सर्वोच्च परमेश्वर है, उनकी आराधना कीजिए, उनकी महिमा कीजिए, उनकी जय जयकार कीजिए। और हमारे साथ मिलकर इस गीत को गाते जाएंगे। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। गाई गाई आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। जीवन की रोटी तू है, आत्मा की भूख मिटा। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। और एक बार मिलकर आराधना, आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। जीवन का झरना तू है, आत्मा की प्यास बुझा। जीवन का झरना तू है, आत्मा की प्यास बुझा। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। गाई गाई आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। जीवन की ज्योति तू है, पग पग में ज्योति जला। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। गाइए आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। और एक बार मिलके गाएं, गाएं। आराधना
प्रभु यीशु की उपस्थिति इस समय महसूस कीजिए। यीशु इस वेदी पर विराजमान है। इस पवित्र संस्कार के द्वारा यीशु अपने आप को हमारे लिए अर्पित कर रहे दे रहे हैं। साक्षात यीशु इस समय यहाँ विराजमान हैं और वही यीशु इस समय आपके विश्वास के द्वारा आपके कमरे में, आपके मोबाइल में, आपके टीवी में विराजमान है। इस समय यीशु की उपस्थिति को इस समय अंगीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। ये वही यीशु हैं जो माता मरियम के गर्भ में आए, कुशाले में जन्म लिए, एक बढ़ई के रूप में काम किए, 3 साल तक लगातार सुसमाचार की घोषणा किए, रोगियों को चंगा किए, बंधनों से लोगों को आजाद किए, मुर्दों को जिलाए, मार डाले गए, गाड़े गए, महिमा के साथ पुनर्जीवित हुए। वही यीशु इस समय हमारे बीच में और हमारे साथ हैं। यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं। तू हमारे मालिक हैं, तू हमारे प्रभु हैं, तू राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं। हे यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। तू हमारी आराधना का पात्र है। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 95 में, आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपनी शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके पास जाएं, भजन गाते हुए उसे धन्य कहें, क्योंकि हमारा प्रभु शक्तिशाली ईश्वर है। वह सभी देवताओं से महान अधिपति है। वह पृथ्वी की गहराइयों को अपने हाथ से संभालता है, पर्वतों के शिखर उसी के हैं, समुद्र और पृथ्वी, जल और थल सब उसके बनाए हुए और उसी के हैं। अब हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेके हैं, क्योंकि वही हमारा ईश्वर है और हम हैं उसके चरागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़े हैं। अपने दोनों हाथ इस समय प्रभु की ओर बढ़ाइए और मेरे पीछे इसको गाते जाइए, इसको बोलते जाइए। आओ हम आनंद मनाते हुए, आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की स्तुति करें। अपने शक्तिशाली, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का, त्राणकर्ता का गुणगान करें, गुणगान करें। हम धन्यवाद करते हुए, हम धन्यवाद करते हुए उसके पास जाएं, उसके पास जाएं, भजन गाते हुए, भजन गाते हुए उसे धन्य कहें, उसे धन्य कहें, क्योंकि हमारा प्रभु, क्योंकि हमारा प्रभु शक्तिशाली ईश्वर है, शक्तिशाली ईश्वर है। वह सभी देवताओं से महान अधिपति है, महान अधिपति है। वह पृथ्वी की गहराइयों को, वह पृथ्वी के गहराइयों अपने हाथ से संभालता है, अपने हाथ से संभालता है। पर्वतों के शिखर उसी के हैं, पर्वतों के शिखर उसी के, समुद्र और पृथ्वी, समुद्र और पृथ्वी, जल और थल, जल और थल सब उसके बनाए हुए, सब उसके बनाए और उसी के हैं, और उसी के। आओ हम दंडवत कर, आओ हम दंडवत प्रभु की आराधना करें, प्रभु की आराधना करें। अपने सृष्टिकर्ता के सामने, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेकें, घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा ईश्वर है, क्योंकि वही हमारा ईश्वर और हम हैं, और हम हैं उसके चरागाह की प्रजा, उसके चरागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़े, उसके अपनी भेड़े। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में बैठिए। आप ये कार्यक्रम देखने के लिए नहीं बैठेंगे, आप इस आराधना में भाग लेने के लिए बैठेंगे। अपने मन और हृदय को उसी पे लगाएंगे, अन्य किसी बात में डिस्टर्ब नहीं रहेंगे, एक दूसरे से बातचीत नहीं। अपना हृदय और मन पूरी तरह से प्रभु पे लगाइए। ये सुनहरा अवसर आपके लिए है, आपके विश्वास को प्रकट करने के लिए है। आपके विश्वास के द्वारा आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु में लगाइए, हृदय की गहराई से प्रभु की आराधना करते जाइए। बोलिए यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा मालिक है, तू मेरे जीवन का सब कुछ है, तू मेरा सर्वस्व है। यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ। तू सर्वोच्च है, तू पवित्र है, तू राजाओं का राजा है, तू मेरा नाथ है, तू मेरा गड़ेरिया है,
तू मेरा बड़ा भाई है, तू मेरा चंगाई देने वाला है, तू पापियों को ढूंढने वाला है, दुखियों को दिलासा देने वाला है, आंसू बहाने वालों के आंसुओं को पोंछने वाला है। मैं तेरी आराधना करता हूं। इस समय मैं महसूस करता हूं कि मैं तेरी उपस्थिति के योग्य नहीं हूं। मैं पापी हूं यीशु, मैं दुर्बल हूं, विचार में, मन में, विकारों में, सोच में, कर्मों में मैंने पाप किया यीशु। मैं तेरे सामने डर डर कर आया हूं, ये सोच कर आया हूं कि क्या मैं तेरी उपस्थिति में जाऊं, जिस तरह उड़ाऊ पुत्र आया था अपने मन में दोहराते हुए, पिताजी मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूं, मुझे एक दास के रूप में रख लेना। हे यीशु, धन्यवाद 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 इस पावन समय के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे सानिध्य के लिए। तू मेरा प्रभु, तू मेरा सहचर है, तू मुझे छोड़ता नहीं है, तू मेरे साथ रहता है। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु, प्रभु मेरा जीवन सहारा है, मेरा एक सहारा है। प्रभु मेरा जीवन सहारा है, मेरा एक सहारा है। चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु, चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु। प्रभु मेरा प्रेमी बंधु है, मेरा एक बंधु है। प्रभु मेरा प्रेमी बंधु है, मेरा एक बंधु है। चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु, चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। बार बार मेरे साथ गुनगुनाते जाएंगे। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। प्रभु मेरा जीवन साथी।
साथी है प्रभु, मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। अपनी आंखें खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये आराधना का समय हमारे लिए प्रभु के विशेष अनुग्रह का समय है। प्रभु अपने पवित्र वचन के द्वारा हमारे मन और हृदय को अपनी कृपा को ग्रहण करने के लिए तैयार करते हैं। हम पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 23 वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं, निर्गमन अध्याय 23 वाक्य 25, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। एक बहुत शक्तिशाली प्रतिज्ञा है। प्रभु कहते हैं तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, क्या मतलब है सेवा करने का? तुम अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करोगे, तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपना मालिक समझोगे, तुम अपने प्रभु ईश्वर के अधीन अपने जीवन को समर्पित करोगे, तब प्रभु तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और प्रभु तुमसे बीमारियां दूर रखेगा। यह प्रभु की एक जबरदस्त प्रतिज्ञा है। प्रभु की जो सेवा करता है, प्रभु की जो आराधना करता है, प्रभु के लिए अपने जीवन को जिसने समर्पित किया है, जिसने प्रभु को अपना मालिक और प्रभु माना है, उसके लिए एक जबरदस्त प्रतिज्ञा है, मैं तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद प्रदान करूंगा। आप पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 35 में, उसके वाक्य 20, 21, 22 में लिखा हुआ है, 20 और 21 में लिखा हुआ है, जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है और उसकी पुकार मेघों को चीर कर ईश्वर तक पहुंचती है। वह तब तक आग्रह करता रहता जब तक सर्वोच्च ईश्वर उस पर दया दृष्टि ना करें और धर्मियों को न्याय ना दिलाएं। वचन में लिखा हुआ है जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है और उसकी पुकार मेघों को चीर कर ईश्वर तक पहुंचती है। वह तब तक आग्रह करता रहता जब तक सर्वोच्च ईश्वर उस पर दया दृष्टि ना करें। कौन? जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है, यानी जिसने प्रभु को अपना जीवन का मालिक बनाया है, जो अपने आप को प्रभु का दास माना है, जिसने अपने आप को प्रभु को समर्पित किया है, उसकी पुकार मेघों को चीर कर प्रभु के सिंहासन तक पहुंच जाती है, वचन कहता है। आप उसी तरह पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ के स्तोत्र 91 जिसको आप बार बार पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ वाक्य 14 और 15 में, वह मेरा भक्त है इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा, वह मेरा नाम जानता है इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा, यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, मैं संकट में उसका साथ दूंगा, मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। किसे? मेरे भक्त को। वो मेरा भक्त है। भक्त कौन होता है? भक्त वो होता है जिसने अपने आप को भगवान को समर्पित किया है। भक्त वो नहीं होता है जो फूल इत्यादि चढ़ाता है, भक्त वो होता है जिसने अपने आप को प्रभु को समर्पित किया है। आज मैं समर्पण के बारे में बता रहा था और वहीं पर हम लोग फिसल कर गिर जाते हैं। हम पूरी तरह से समर्पित नहीं होते हैं, अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपनी संपत्ति को, अपनी गरीबी को, अपनी प्रतिभाओं को प्रभु को पूरी तरह से जो समर्पित करता है, जो प्रभु का भक्त है, मैं उसका उद्धार करूंगा। प्रभु कहते हैं वह मेरा नाम जानता है इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा, यदि वो मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा
और मैं संकट में उसका साथ दूंगा, मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। आज हमें अपने आप को समर्पित करना है। हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम बहुत नजदीकी से पकड़े हुए हैं, जिसके प्रति हमारा बहुत ज्यादा मोह है। वो कोई मनुष्य हो, कोई चीज हो, संपत्ति हो, कोई जगह हो, आज हमें समर्पित करना है। आपने सुना लूकस अध्याय 18 से उस धनी व्यक्ति के बारे में जो दुखी होकर चला गया यीशु से मिलने के बाद। बहुत सारे विश्वासी लोग या बहुत सारे लोग इसी तरह यीशु से मिलने के बाद दुखी होकर जाते हैं। बहुत सारे विश्वासी लोग प्रतिदिन मिसा बलिदान में जाते हैं, पूजा पाठ में जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तब भी दुखी होकर जीते हैं, क्योंकि उनका किसी न किसी चीज या व्यक्ति से लगाव है। जिस समय हम उसको त्याग देंगे, हम प्रभु के आनंद से भर जाएंगे। असीसी के संत फ्रांसिस बहुत ज्यादा अपने धन पर घमंड करता था, बहुत कठोर था, क्रूर था, लेकिन यीशु से मिलने के बाद उसने सब कुछ त्याग दिया। जब उसने सब कुछ त्याग दिया, टाट ओढ़ने लगा, तब उसके अंदर आनंद उमड़ पड़ा। पहले पहले लोगों ने सोचा ही पागल हो गया है, लेकिन बाद में उसके आनंद को देखकर लोग सोचे ये सच्चाई है। इसने सांसारिक चीजों को लात मारा, प्रभु को अपनाया, इसके जीवन में आनंद का फव्वारा फूट निकला है। आप और मेरे जीवन में भी ये होना है, उसके लिए हमें समर्पित करना है। पकड़े मत रहो। आपका बेटा है, आपकी बेटी है, मान लिया, आपकी संपत्ति है, मान लिया, लगाव मत रखो। प्रभु को समर्पित करो, बार बार प्रभु को समर्पित करो, प्रतिदिन समर्पित करना। प्रभु ये मेरा नहीं है, ये मेरी नहीं है, ये तेरा है, ये तेरी है। ऐसे समर्पण में हमें जीवन जीना है, तब हमारे जीवन में भी आनंद पर आनंद रहेगा। वो धनी व्यक्ति अपनी संपत्ति को छोड़ नहीं पाया, उससे लगाव था, इसीलिए दुखी रह गया। जो इस संसार में दुखी रहते हैं, उन सब के पीछे कोई ना कोई इस तरह का लगाव है, मोह है। त्यागिए मोह को, लगाव को त्यागिए। प्रभु का वचन कहता है पहला तिमोथी अध्याय 6 वाक्य 7, हम क्या लेकर आए संसार में? कुछ नहीं। हम क्या लेके जाएंगे? कुछ भी नहीं। ये सच्चाई है। इस सच्चाई को अनुभव करते हुए इस समय हमें त्यागना है, समर्पित करना। हमें त्यागना नहीं है, हमें समर्पित करना है, प्रभु को देना है। उसके बारे में हम चिंता नहीं करेंगे। प्रभु का है, मेरा बेटा प्रभु का, मेरी बेटी प्रभु की, मेरी संपत्ति प्रभु की, मेरा रोजगार प्रभु का, सब कुछ प्रभु को देंगे। आगे मन कीजिए, प्रभु के सामने अपने जीवन को लाइए। प्रभु कहते हैं यरमिया अध्याय 17 उसके वाक्य 5 और 6 में, धिक्कार उस मनुष्य को जो ईश्वर से मुंह मोड़ लेता है और मनुष्यों पर भरोसा रखता है। धिक्कार उस मनुष्य को जो ईश्वर से मुंह मोड़ लेता है और मनुष्यों पर भरोसा रखता है। वो मरुभूमि के पौधे की तरह है जो कभी अच्छे से नहीं देखते। मत्ती अध्याय 10 वाक्य 37 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो अपने माँ बाप को मुझसे ज्यादा प्यार करता है मेरे शिष्य होने लायक नहीं है। जो अपने बच्चों को मुझसे ज्यादा प्यार करता है मेरे शिष्य होने लायक नहीं है। प्रभु से प्यार, प्रभु से प्यार और सबको प्रभु में। हर विश्वासी के लिए आज की आराधना बहुत महत्वपूर्ण है। ये समर्पण की आराधना है। समर्पित कीजिए, आपको समर्पित कीजिए, अपने शरीर को समर्पित कीजिए, रोगों को समर्पित कीजिए, दुर्बलताओं को समर्पित कीजिए, सब कुछ को समर्पित कीजिए, अपने को समर्पित कीजिए, परिवार को समर्पित कीजिए, परिवार को समर्पित कीजिए, परिवार के एक एक सदस्य को समर्पित कीजिए, अपनी नौकरी को समर्पित कीजिए, परिवार की गरीबी को समर्पित कीजिए। एक एक बात को समर्पित करते जाइए। यीशु विश्वसनीय है, यीशु ने आपके लिए अपने आप को अर्पित किया है। वो आपको धोखा नहीं दे सकता है।
उसने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरी वाणी नहीं टलेगी। उनकी वाणी पक्की है। एज़ेकियल नबी के ग्रंथ के अध्याय 12 वाक्य 24 में प्रभु कहते हैं, जैसे मैं कहूंगा वैसे मैं करूंगा। वह एक ऐसा परमेश्वर है जो जैसे कहता वैसे करता है। विश्वास कीजिए, ये समय निकालिए प्रभु को समर्पित करने के लिए। एक एक चीज को समर्पित करते जाइए। बोलिए, प्रभु ये मेरा नहीं है, ये मेरी नहीं है, तेरा है, तेरी है, मैं समर्पित करता हूं, मैं उसके बारे में चिंता नहीं करूंगा। समर्पित करते जाइए, समर्पित करते जाइए। अनुग्रह का समय, आशीष का समय। समर्पण के द्वारा आशीष बहने लगती है। इब्राहिम अपने बेटे को समर्पित करने के लिए तैयार हुआ, उसने हां तय समर्पण ही किया, आशीष का फुवारा फूट निकला। प्रभु ने शपथ खाकर कहा कि मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा। प्रभु के आशीष के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। समर्पित करते जाइए, समर्पित करते जाइए, समर्पित करते जाइए, समर्पित करते जाइए। मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, मैं अपने आप को, मैं अपने आप को तेरे हाथों में, तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, मेरे परिवार को, मेरे परिवार को, परिवार के सदस्यों को, परिवार के सदस्यों को, मेरे परिवार की गरीबी को, मेरे परिवार की गरीबी को, हर तरह की अच्छाई को, हर तरह की अच्छाई तेरे हाथों में, तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, मैं अपने शरीर के रोगों को, मैं अपने शरीर के रोगों को, दुर्बलताओं को, दुर्बलताओं को, बुरी आदतों को, बुरी आदतों को तेरे हाथों में, तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, मेरी योजनाओं को, मेरी योजनाओं को, मेरे सपनों को, मेरे सपनों को, मेरे विचारों को, मेरे विचारों को तेरे हाथों में, तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ। मेरी संपत्ति को, मेरी संपत्ति को, मेरे रोजगार को, मेरे रोजगार को, मेरी बेरोजगारी को, मेरी बेरोजगारी को, हमारी गरीबी को, हमारी गरीबी को तेरे हाथों में, तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, तेरे पुत्र यीशु के नाम पर, तेरे पुत्र यीशु के नाम पर हमारे समर्पण को ग्रहण कीजिए, हमारे समर्पण को ग्रहण कीजिए। मेरे पिताजी जीवन हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। गाइए, मेरे पिताजी जीवन हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। मेरे पिताजी जीवन हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। मेरे पिताजी जीवन हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है। पिताजी सत्य हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। मेरे पिताजी सत्य हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है, अर्पित है। मेरे पिताजी प्रेम हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। मेरे पिताजी प्रेम हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है।
हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। मेरे पिताजी जीवन हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। दोनों हाथ ऊपर की उठाते हुए, मेरे पिताजी, दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए, जीवन हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। बार बार गाते जाएंगे, मेरे पिताजी जीवन हो तुम। हृदय की गहराई से गाते जाइए, कुछ हृदय की गहराई से गाते जाइए, हृदय की गहराई से गाते जाइए। मेरे पिताजी जीवन हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। गाते जाइए, मेरे हृदय की गहराई से मुंह खोल कर, सब लोग मुंह खोल कर गाएंगे। जीवन हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। मेरे पिताजी जीवन हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। मेरे पिताजी जीवन हो तुम, सब कुछ मेरा। हाथ ऊपर करके स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालिया 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 हालिया। समर्पित करते जाइए, समर्पित करते जाइए, दोनों हाथ ऊपर उठा दीजिए, समर्पित करते जाइए, समर्पित करते जाइए। हालिया 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 हालिया। समर्पण 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 समर्पण, समर्पित करते जाइए, समर्पित करते जाइए। तेरा यीशु, तेरा ही पिता, तेरा ही पिता, मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे बच्चे, सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा है। हालिया 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 हालिया। प्रभु यीशु समय हमारे बीच में कार्य कर रहे हैं। एक बहन जिसके पीठ में कई दिनों से, कई महीनों या सालों से दर्द है, तेल लगाकर, मलहम लगाकर थक गई हैं। प्रभु यीशु इसी वक्त आपको स्पर्श कर रहे हैं। एक बहन जिनके पीठ में कई दिनों से दर्द है, दवा लगाकर, तेल लगाकर थक गई हैं, यीशु इसी वक्त आपको चंगा कर रहे हैं। यीशु को धन्यवाद देते जाइए, हृदय से प्रभु को धन्यवाद देते जाइए। बहन आपको चंगा कर रहे हैं, धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। एक भाई जिसके पैर में एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण हड्डियां जोड़ी गई, लेकिन हड्डियां सीधी नहीं जोड़ी गई, टेढ़ी हो गई हैं, टेढ़ी जोड़ी गई हैं, ऑपरेशन सही से नहीं हुआ। प्रभु यीशु उस जगह को इस समय स्पर्श कर रहे हैं, आपको चंगा कर रहे हैं मेरे भाई। प्रभु को धन्यवाद देते जाइए, यीशु आपको चंगा कर रहे हैं मेरे भाई। प्रभु को धन्यवाद देते जाइए, धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा। एक बहन जिसका एक स्तन कैंसरस है, एक स्तन में कैंसर है, प्रभु यीशु का प्रकाश इस समय आपके स्तन पर गिर रहा है। यीशु आपको चंगा कर रहे हैं। आज शाम से आप महसूस करेंगे कि आपके स्तन में जो कैंसर है, दर्द है, धीरे धीरे मिट रहा है, आप चंगा चंगाई पा रही हैं। धन्यवाद देते जाना बहन, सबको बताना, हमें भी बताना। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी बहन, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। एक भाई जिसका पैर टेढ़ा है, पैर टेढ़ा है, इसीलिए टेढ़ा टेढ़ा चलता है, कई लोग उसके ऊपर हंसते भी हैं, प्रभु यीशु आपके पैर को इस समय स्पर्श कर रहे हैं। यीशु आपके पैर को स्पर्श कर रहे हैं, यीशु आपके पैर को सीधा कर रहे हैं, आप सीधे चलने लगेंगे। कल सुबह से लोग पूछेंगे कैसे ठीक हो गए, बोलना यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। कई लोग जिनके नाक से बराबर पानी गिरता था, शीत होता है, बराबर शीत, हमेशा सर्दी रहती है, नाक से पानी गिरना, परेशान है, परेशान है, छींकते छींकते परेशान है, कई लोगों को प्रभु यीशु इस समय चंगाई दे रहे हैं। आपको चंगाई मिल रही है, ग्रहण कीजिए, ग्रहण कीजिए, यीशु को धन्यवाद देते जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। चलिए हम लोग इस समय विशेष चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। यीशु हमारे बीच में विराजमान है, यीशु की उपस्थिति में यीशु के नाम पर चंगाई हो रही है। करने वाले यीशु हैं और कोई इंसान नहीं है, यीशु चंगाई दे रहे हैं। यीशु की उपस्थिति में जो भी हर प्रकार के दर्द पीड़ा से परेशान है, इस समय यीशु के सामने लाना। अपने रोग को याद कीजिए, अपने रोग को याद कीजिए। डॉक्टरों ने क्या कहा उसको भी याद कीजिए। डॉक्टर ने कहा कि ये ठीक नहीं हो सकता है, जो भी डॉक्टर बोले उसको भी याद कीजिए। और इस समय वैद्यों के वैद्य यीशु, प्रभुओं के प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित करना। यीशु को बंद आंखों से देखना, आंखें बंद रखना और यीशु को देखते जाना। यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं, यीशु का स्पर्श आपको मिल रहा है। स्वतंत्र होकर इस समय मुख खोलकर प्रभु की स्तुति करते जाना, अपने उस रोग को प्रभु को समर्पित करते जाना, विश्वास के साथ प्रभु की स्तुति करते जाना। यीशु को आपको स्पर्श करने दीजिए, चंगा करने दीजिए। छलमिया ला 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 हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु तेरी स्तुति तेरी आराधना तेरी महिमा, यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर, पुनर्जीवित यीशु के नाम पर, हर तरह के रोग से, हर तरह के रोग से, रोग के कीटाणु से, रोग के कारणों से, इसी वक्त इन भाई बहनों को चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले। डिलीवरेंस हीलिंग, डिलीवरेंस हीलिंग, डिलीवरेंस हीलिंग, डिलीवरेंस हीलिंग, यीशु के नाम पर चंगाई 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 चंगाई। बहुत सारे रोगों से, हर तरह के रोग से चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। एक पल के लिए मौन होकर बैठिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए समय के लिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए इस पवित्र समय के लिए। अभी तुरंत परम प्रसाद की आशीष है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हर रविवार को यह सत्संग होगा दोपहर को 12 बजे से 2 बजे तक, पौने दो बजे तक, और हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग युवा युवतियों के लिए, और हर शुक्रवार को शाम को 7 बजे से 8 बजे तक रक्ताभिषेक प्रार्थना कल हुई थी, कई लोगों को कई प्रकार का वरदान मिला है। हर रोज सुबह रोज की रोटी 5 बजे, इन सारे कार्यक्रमों में भाग लेकर प्रभु की आशीष पाना, ये आशीष पाने का समय है। मौका ढूंढ निकालिए, किसी तरह से उसमें भाग लेने का प्रयास कीजिए। अभी आशीष मिलेगी, जिस समय आशीष दी जाएगी उस समय जो लोग तेल और पानी आशीष के लिए लाए हैं अपने हाथ में उठा के पकड़ना, और उस समय प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु इस तेल को और जल को शुद्ध करना, पवित्र करना और तेरे कार्य के लिए इस्तेमाल करना। तेरी महिमा हो प्रभु जी।